नमस्कार बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता एवं बीआरएस पार्टी के सदस्य नासिर खान जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अब तक जो कार्य किए हैं उसके बारे में। पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मेरा आपसे पहला एक सवाल है कि आप सामाजिक कार्य करते हो लेकिन अब आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ गए हो, तो समाजकरण और राजकरण भी एकत्रित आप करोगे, कैसा यह समीकरण होगा, क्या बताओगे? देखो, समाज कारण ही राजकारण है। मैं अगर समाज कारण नहीं होगा तो समाज में आपको लोग नहीं पहचानेंगे। बिल्कुल, समाज ही राजकारण होता है, जो डिसाइड राजकारण के ऊपर में डिसाइड होता है। हमको जब लोग जानेंगे, वोट कब देंगे हमको, जब हमारा समाज में कोई एक्टिविटी रहेंगी या उनके दरमियान हम लोग कोई काम करते रहेंगे समाज का, तो ही हम लोग को लोग जो है प्यार करेंगे और अपने मोहब्बतों से हमको नवाजेंगे। इसलिए ही समाज कारण ही राजकारण है। आप समाजकरण करते हो, उसके तहत आपने अभी तक बहुत से ऐसे कार्य किए हैं सामाजिक जो समाज के हित में हैं, और अभी फिलहाल आपने हाल ही में एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया है, आपने जान पे खेल कर कई लोगों की जान आपने बचाई है। वो किस तरह का स्टिंग था, किस तरह से आपने वो काम किया था, क्या बताओगे? ये हमारे समीर भाई है, कंस्ट्रक्शन का काम करते, ठेकेदार है। इनके पास में इसके पहले वर्कर लोग जो है एम्प्लॉय अपना लेबर काम करके गई है, तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ हमारे छिंदवाड़ा एमपी के कुछ रहने वाली लेबर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में फंसी हुई है, और जो एक ठेकेदार है वहाँ के गणेश करके नामक, उसने उन लोगों को बंधक बनाया है और उनके ऊपर में अन्य अत्याचार करता है, खाने को राशन नहीं देता, ये नहीं देता। इस तरीके से उनके साथ में वो ठेकेदार द्वारा जो बर्बरता अन्य अत्याचार हो रहा है, तो इसकी माहिती हमारे समीर भाई को मिली। तो समीर भाई ने मेरे को बताया, मेरे को बताने के बाद में हम दोनों ने एक डिसाइड किया कि चलो एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाए अपने सोशल एक्टिविटी के माध्यम से, बीआरएस पार्टी के माध्यम से। फिर हम दोनों ने तय करे, डिसाइड करे और यहाँ से बाय रोड निकले, और बाय रोड निकलने के बाद में वहाँ पे हमने जब स्टिंग ऑपरेशन चलाया तो वहाँ पे खेत में यानी एक बिकार स्वांगी करके गाँव है पोस्ट, वहाँ गए और वहाँ से भी कम से कम उमरगा से तहसील से कम 15-16-17-18 किलोमीटर आता है वो तकरीबन का, लेकिन बहुत सन्नाटा है वो रोड के ऊपर में, कोई आता जाता नहीं है, यातायात आवाजाही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद में जिस तरीके से वहाँ पे लेबरों के साथ में बर्बरता हुई, अन्य अत्याचार जो हुआ, तो उसकी वीडियो व्हाट्सएप बुलाया हम लोगों ने, उन्होंने आप भी दी हमको उसके अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे समीर भाई को भेजे, समीर भाई ने मुझे भेजे, तो मैंने ऑब्जर्व करने के बाद में देखा उनके आधार कार्ड बुलाए कि भैया कहीं फेक तो नहीं है, बिल्कुल हो सकता है कभी कभी इसके अंदर में कि फेक भी हो सकता है कि ठेकेदारों के ऊपर में ज़्यादा पैसा लेने की वजह से भी वो काम कराते ठेकेदार, इस तरीके से भी हो सकता है। मैंने बोला कोई मामला तो इस तरीके से भी आता है, गुजरता है। तो मैंने ये सब चीज़ों के अंदर में हम दोनों ने बैठ के ऑब्जर्व करके फिर हम लोग वहाँ पर उस्मानाबाद के लिए रवाना हुए। तो वहाँ पर जाने के बाद में ऑन द स्पॉट जाने के बाद में देखते हैं कि वहाँ पर भी टेंट है खेत के अंदर में, तो लेकिन वहाँ से भी कुछ लोग, वहाँ से 14 लोग को भी वहाँ से गायब करके 2 किलोमीटर अंदर वहाँ पे एक डैम है, वहाँ पर उन्होंने खेत के पास में उनको बंधक बना के रखे थे। और बंधक बना के रखने के बाद में जब हम लोग वहाँ पर गए, किसी गांव के लोगों को पूछे हमने कि भैया ये यहाँ से लोग नहीं दिख रहे, वहाँ की भी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने करे स्पॉट के ऊपर की, तो एक गाँव का बंदा वहाँ से गुजर रहा था नागरिक, तो हमने उनको ठहर के पूछे कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं एमपी की। हाँ बोले सर, बोले सर, बोले उनको छुड़ा लो बचा लो, बोले बेचारे उनके साथ में बहुत जुलूम हो रहा है, बहुत अन्य अत्याचार हो रहा है, उनको बचा लो, बेचारे रो रहे हैं, खाने को बराबर समय पे देते नहीं है, ना खर्ची देते हैं, ना कुछ पैसे देते हैं उनको, ना कुछ करते हैं। इस तरीके से उन्होंने आप भी थे हमको गाँव के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, और बताने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से बोले 1 किलोमीटर अंदर में जाइए, बोले मेरा नाम मत बताइएगा, बोले कि मैंने कुछ बताया करके गांव का एक रहवासी होने के नाते, और उन लोग का यहाँ पर काफ़ी दबदबा है, बोले उनका रसूख है, बोले यहाँ पर इस एरिया में गांव में, तो बहुत उनसे डरा हुआ था और सहमा भी था वो कि मेरा नाम नहीं, अगर मेरे को देख लिए तो हो सकता है मुझे मारे, ऐसा करे वैसा करे। तो ये सब देखते हुए हम लोग और मैं और समीर भाई आगे बढ़ने के बाद में बिल्कुल तालाब के बाजू में उनको बंधक बना के रखे थे। फिर हम लोग घुसे तो उन लोग एकदम अचानक से बिल्कुल डर गए कि भैया कौन है, कोई पुलिस वाले तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। तो इसी का मौके का थोड़ा सा हमने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनका उनकी जान सबसे इम्पोर्टेंट थी, उनकी जान जो है सबसे ज़्यादा बचाना था। मुझे जो समझ में आया हम लोगों ने, समीर भाई और मैंने,
हम दोनों ने उस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन चला के, चलो मैंने बोला जल्दी से गाड़ी में बैठो, समीर भाई को अपने गाड़ी में बिठाओ, चलो मैंने बोला और इनको भी पुलिस स्टेशन लेके चलो उमरगा। तो वहाँ पर हम लोग तहसील पुलिस स्टेशन वहाँ पे उमरगा में गए, तो और उमरगा में जाने के बाद में फिर वहाँ पर सब आप बीती वहाँ के जो भार साधक है पारेकर उनको बताया, तो उनको बताने के बाद में उन्होंने ये सब चीज़ें उनकी सुने, सुनने के बाद में उनको भी फ़ोन करके बुलाया, तो उनको भी आने के बाद में उनको डांटे फटकार लगाए कि तब ऐसा था। उन लोगों ने लेकिन अपने तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी को पेश करे भार साधक के पास में, इनके ऊपर हमारे पैसे है, ऐसा है वैसा है, जबकि उसके अंदर में डिसाइड ये हुआ था कि पर क्विंटल के ऊपर में हम तुमको अपना 500 रुपये देंगे, 300 रुपये देंगे, 400 रुपये देंगे, ऐसा बताए थे, लेकिन उसके अंदर टन के हिसाब से उनको 200 रुपये 270 रुपये देने का काम उन लोगों ने करे, और वो बता रहे कि हमने 50,000 का 60,000 का राशन उनको डाल के दिए। जब हम लोग स्पॉट पर गए तो राशन की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने भार साधक को, उन्होंने PI साहब को ये सब आप बीती उन्होंने बताया, और हमारा मोबाइल छीन लिए। मोबाइल को अगर हम 100 नंबर पर फ़ोन करने कर रहे थे तो उनको मालूम कि 100 नंबर पर फ़ोन घुमाएंगे लोग, तो उनका मोबाइल छीन लिए और उनके लेबर को मारने की कोशिश करे और धमकी देने लगे। और एक कायदे में व्यवस्था ऐसी है मैम, कामगार कायदे के अंदर में, अगर से आप इंडस्ट्रियल औद्योगिक 1948 का कायदा अगर आप देखते हो उठा के कामगार कायदा, तो उसके अंदर में सब सेक्शन 25(1) के अंदर में 12 घंटे अपना 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे के ऊपर में अगर से कोई ओवर टाइम कोई बंदा लेबर है अगर एम्प्लॉय का कोई काम करता भी है तो उसके अंदर में OT उसको मिलेंगी, ओवर टाइम के पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इस तरीके से बर्बरता एक करना एक अपने आप में बहुत बड़ा निंदनीय है, और एक लेबर जब डिफेंड हो जाती है एक ठेकेदार के ऊपर में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाके काम करती है तो वो डिफेंड हो जाती है, लेकिन उनके साथ में ऐसा बर्बरता करना मुझे नहीं लगता कि ये कहाँ तक उचित रहेगा कि कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अब कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। बिल्कुल, क्या बंधक बनाए गए मजदूरों में महिला मजदूर भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे उसमें? महिला कम से कम उसके अंदर 4 से 5 महिलाएं थी, है ना, और काफ़ी सीनियर सिटीजन थे, तो उसके अंदर में सीनियर सिटीजन होने के बाद बच्चे तो नहीं थे, बाकी सब जो थे बाकी सब जेंट्स थे। अब जेंट्स होने के बाद में तो उन्होंने जो जिस तरीके से उनके साथ में एक शारीरिक और एक मानसिकता जिस तरीके से व्यवहार उनके साथ में किया गया टॉर्चर करके, तो उन्होंने सब आप भी थी हमको बताया कि रोते हुए कि साहब बोले हमको यहाँ से बचा लो, अगर उनको हमको यहाँ तक की धमकी मिली, अगर तुम पुलिस स्टेशन गए और हमारे नाम से कभी कंप्लेंट हुई तो हम तुमको उमरगा तहसील क्रॉस नहीं होने देंगे, समझते चलना तुम्हारी पूरी दोनों तीनों गाड़ियाँ फोड़ डालेंगे, ऐसा बोल के हमको बोले उन्होंने डराने लगे, तो डरा के उन लोगों ने कंप्लेंट डाले, जबकि पुलिस वालों ने बोले कंप्लेंट डालना है क्या, तो इन्होंने बोले साहब बोले कंप्लेंट डालना है सिर्फ हमको हमारे गांव समीर भाई और नासिर भाई हमको सिर्फ हमारे गांव पहुंचा दो, हम तुम्हारा जिंदगी भर उपकार कभी नहीं भूलेंगे। इस मामले में आपको पुलिस का किस तरह से सहकार्य मिला है, क्या बताओगे? देखिए सहकार्य तो मिला, सहकार्य मिला, सारी चीज़ें मिले, लेकिन थोड़ा सा वहाँ के जो हमारे भार साधक साहब थे उनकी थोड़ी बर्बरता जो रवैया बात करने का जो एम्प्लॉय का था तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट था कि भैया थोड़ा सा दूर हटो, यानी उनसे जो आप बीती है वहाँ की जो लेबर उनको बता रही है कामगार तो थोड़ा सा दूर हट के बात करो, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट बातें करने लगे तो मुझे वहाँ उचित नहीं लगा। तो फिर बाद में उनके जो राइटर थे फिर उन्होंने बोले एक काम करो, बोले इनका क्या निपटारा है काउंसिलिंग करके दूसरे रूम में DB रूम में लेके जाओ बोले और इनका निपटारा कर दो। तो उस तरीके से फिर उन लोगों ने हमारी काउंसिलिंग करके उसके बीच का एक रास्ता निकाले, कुछ पैसे उनके बताए गए थे कायदे से, हमारे लेबर ने हमको बोली कि कुछ पैसे हमारे आंख पे निकल रहे थे, बोले साहब उनके जो उन्होंने दिए नहीं 200 रुपये और 100 रुपये रोजी में हमसे काम करा रहे थे। तो मैंने बोला एक काम करो, अगर ऐसा लग रहा है उनको कि सही में तुम्हारे पैसे अगर फंसे हुए तो हमारे समीर भाई ने हमारे आरिफ भाई करके अकोला वाले ठेकेदार हैं इनके फील्ड के हैं तो उनको फ़ोन करके तुरंत ऑनलाइन पैसा मंगाए, क्योंकि हमारे पास में जो पैसे थे वो सिर्फ समझ लो ऑन द वे में डीजल में इसमें उसमें सब में पैसे लग गए थे, तो कुछ पैसे शॉर्ट पड़ने की वजह से तो हमारे आरिफ भाई को हमारे समीर भाई ने कॉल किया और तुरंत ऑनलाइन पैसे बुला के उन लोग की जो इनके कहे मुताबिक लेबर के उनको पैसे देने में आए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये काम किया है और हम देखते हैं कि जो घटना हुई है ये बिल्कुल ही मतलब निषेधार्थ है और ऐसी घटना आगे ना हो, और इसे लेकर आपने सरकार तक ये जो है ये मामला पहुँचाया, सरकार के ध्यान में ला कर दिया कि ऐसा भी मजदूरों के साथ होता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए बिल्कुल सही बात है, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है आपने करे। मेरा सिर्फ एक संदेश है कि देखिए जब एक लेबर दूसरे स्टेट में जाके जब काम करती है तो उसके ऊपर निर्भर हो जाती है, अब जाहिर सी बात है कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी ठेकेदार के ऊपर रहेंगी,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हुनर के ऊपर में रहेगी, उसका दुख सुख सारी चीज़ें। अभी देखिए अपने ग्रेजुएटी, और सबसे बड़ी चीज़ तो चौंकाने वाली बात यह है कि कहीं कामगार जो दिहाड़ी मजदूर है, जो बांधकाम मजदूर है, उनके अभी तक के कोई भी ऐसा PF वगैरह में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, जबकि रजिस्ट्रेशन करवाना उनका तुम्हारा एक मौलिक अधिकार है, जिसको बोलते हैं हम भविष्य निधि संगठन PF, जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, तो ये उनका अधिकार है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर में वो इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते कि कई हुनर उसके अंदर में ये देखा गया है कि अच्छी पुख्ता एकदम पुख्ता रकम उसके अंदर वसूली करी जाती है, और उनका जो अधिकार है उनका हक मारा जाता है, हक मार के फिर वो पैसा बहुत लाखों करोड़ों रुपए के अंदर में उनका जमा होता है, जो पैसा नीचे से लेके ऊपर तक के मिनिस्टर जो लोग हैं उसके अंदर में उनके खा लेते हैं करके वजह से PF और ग्रेजुएटी और बीमा इंश्योरेंस, इसलिए दिहाड़ी मजदूर बांधकाम मजदूर का इन लोग नहीं कराते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम लोगों ने ये सब चीज़ करवाए तो भैया हम लोग का घोटाला लगाऊंगा, हमारे पैसे कहाँ बचेंगे, इसलिए उनका भविष्य निधि संगठन के अंदर में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। और रही बात दूसरा सवाल बहुत आपने बेहतरीन करे कि सरकार को तो सिर्फ हमारा यही एक उद्देश्य है आपके BCN के चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से अभी अन्य अत्याचार हो रहा है लेबरों के ऊपर में, कई ऐसे लोग हैं जिनका इनका शोषण कर रहे हैं ठेकेदारों में, कई ऐसे भी ठेकेदार हैं जो ईमानदारी से उनको पैसे देते हैं। अभी हमारे समीर भाई भी आज देखिए वाकई में काबिले तारीफ काम है कि बोलते ही नहीं, क्या कहावत है कि मजदूरी की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जाना चाहिए, ऐसा हमारे हदीस से भी और इस्लाम से भी साबित है और दुनिया के एतबार से भी साबित है। तो वाकई में जब वो अपने ऊपर डिफेंड हो जाता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कायदे की है, कामगार कायदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारे ऊपर में आयात हो जाती है, ये हमारे ऊपर लागू हो जाती है। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि इनके साथ में कभी अन्य अत्याचार ना करे और इनका जो हक है उनको दे दे, उनकी रोजी रोटी उनको दे दे, ताकि इस तरीके से कोई भी मजदूर, अगर कोई अच्छा ठेकेदार भी कोई अगर गांव में या दूसरे स्टेट में भी अगर उनको लाना चाहेगा तो ट्रस्ट करके उसके ऊपर भरोसा करके और आना चाहिए। इस तरीके से एक अमल बजावनी BCN चैनल के माध्यम से एक मैं और मैसेज देना चाहूँगा कि इसके अंदर में जो प्रोविजन है कामगार कायदे के अंदर में सख्ती से, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो अपना 1948 का एक कायदा जो बना हुआ है सब सेक्शन 25(1) के अंदर में, अगर हम वो कायदे को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर में 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे की ड्यूटी के ऊपर में अगर 1 घंटा भी 2 घंटा भी 3 घंटा भी अगर हो जाता है तो उसको OT मिलना चाहिए, OTM मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार और राइट है ना। तो ठीक है, उसके अंदर में मैं ये भी एक चीज़ का प्रोविज़न है 25(2) में बी में सब सेक्शन, उसके अंदर भी ये बोला गया है कि 14 घंटे 15 घंटे के ऊपर अगर काम कराती भी है महिलाओं से नाइट के अंदर में, एक प्रोविज़न आया अभी कायदे में नया, तो उसके अंदर में काम भी कराते हैं तो उसके अंदर में उसको पूरी रहने की व्यवस्था महिलाओं को करके देंगे, अगर से वो हमले से है या कुछ ये है इससे सब सारी चीज़ों से, तो वो सब पूरी जितनी भी सुविधाएं महिलाओं को उपलब्ध कराना है वो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनको खेतों में रखे और इस तरीके से अन्य अत्याचार करे उस महिलाओं के साथ में कि आप उनकी हालत देखेंगे ना तो इतनी खस्ता हालत है कि हम लोग क्या हमारे आँखों में, समीर भाई की आँखों में, हमारे आँखों में आंसू आ गए कि हम देख नहीं सकते थे कि इतने हमारे महिला को जो मान और सम्मान मिलता है, हाँ जो देना चाहिए, लेकिन हमारे अभी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे महाराष्ट्र की, हमारे मिनिस्टर है, हमारे कामगार मिनिस्टर है, तो ये सब क्या है, ये सब सो रहे हैं क्या आज इस तरीके से जो अन्य अत्याचार हो रहा है। अगर कल हम लोग अगर वहाँ पर उस समय नहीं पहुँचते तो खुदा ना खास्ता उन लेबरों के साथ में कल जाके कुछ भी जान को कम ज़्यादा हो सकता था। आज बेचारों ने हमको इतने मोहब्बत और दुआओं से नवाजा, समीर भाई और मे को, कि आप बोले एक भगवान का एक रूप है, बोले आप आ गए, बोले एक फरिश्ते जैसा आ गए, एक फरिश्ते की जैसा आप आ गए और हमको बचा लिया, बोले हम जिंदगी भर आपका ये उपकार नहीं भूलेंगे। बस ये आपके BCN के चैनल के माध्यम से मैं ये एक संदेश उनको देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि इसके अंदर में कामगार के अंदर में भी कहीं ना कहीं संशोधन करके इसके अंदर में सख्ती से अमल बजावनी होना चाहिए। बिल्कुल, नासिर खान और समीर शेख इन्होंने जो कार्य किया है वो वाकई सराहनीय है, लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए सरकार क्या कदम उठाता है ये भी अब देखना होगा। आज के खास मुलाकात में वक्त चला यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।